जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दो दोस्त उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी से आज जुड़ रहे हैं। मैं मुजीब रहमान अजीज, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का माइनॉरिटी सदर, कुल हिंद सदर। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि भाई नसीम साहब, मोहम्मद नसीम साहब और भाई मोहम्मद इरशाद साहब, आप दोनों को मैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी माइनॉरिटी सेल की जानिब से, माइनॉरिटी विंग की जानिब से, आप लोगों को भाई नसीम साहब को सदर और भाई इरशाद साहब को नायब सदर मुंतखब करता हूं। आप दोनों लोगों को मैं इस ख्वाहिश और इस नेक जज्बात के तहत, ये नेक ख्वाहिशात के तहत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की क्यादत में चलने वाली पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का, क्योंकि आप लोग एक हिस्सा बन चुके हैं। अब हम कोशिश ये करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों तक पहुंचा जाए और देशवासियों से बिला तफरीक मजहब व मिल्लत राबता किया जाए। उनके दरमियान में आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की सोच और उनके अफकार व ख्यालात को पहुंचाया जाए। लोगों के दरमियान में जो मुस्तहिक है उनको आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के जरिया से जो कुछ भी ताउन पहुंच सकता है, काम पहुंच सकता है, मुल्क में जहां जहां जरूरत है उस चीज पर फोकस करते हुए लोगों की जरूरियात को पूरा किया जाए। क्योंकि सियासी एक ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी एक जमात है, इस पार्टी के जरिया से हमारी कोशिश यही रहेगी कि देश भर में भाईचारा का फरोग दिया जाए, मुल्क भर में लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जाए और एक दूसरे की राहत रसानी के लिए काम किया जाए। तो भाई मोहम्मद नसीम साहब और भाई मोहम्मद इरशाद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के अकलियती शोबा की जानिब से एक सदर होने की हैसियत से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अब आप इस पार्टी के एक रुकन हो चुके हैं। आप लोग इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों के ख्यालात अच्छे हैं, आप लोग मेहनत कश हैं, जुस्तजू और जोहदे मुसलसल करने के आप लोग कायल हैं, आप लोग इंशाल्लाह ताला लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे, अकलियतों की आवाज को उठाएंगे, पूरे मुल्क भर की आवाज को उठाएंगे। आप लोगों को जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सदर बनाते हुए और नायब सदर बनाते हुए भाई मोहम्मद इरशाद साहब को बहुत खुशी महसूस हो रही है। भाई मोहम्मद नसीम साहब से मेरी गुजारिश है कि आप अपने ताल्लुक से, पार्टी के ताल्लुक से, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा से की क्यादत से मिलकर के जो काम को आगे बढ़ाने का आपने एक अहद किया है, उसके बारे में दो लफ्ज इंशाल्लाह ताला बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नसीम अशरत अली, गाजियाबाद दिल्ली गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और वैसे यूपी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बस्ती से ताल्लुक रखता हूँ। और जहाँ तक के भाई मतीउर रहमान साहब ने तारुफ मेरा करा चुके हैं, मैं एक दिल्ली में छोटा सा बिजनेस मेरा है, हल्का फुल्का, जो दिल्ली हाइपर मार्ट के नाम से 7-8 साल से चल रहा है। और डॉक्टर नोहरा शेख, डॉक्टर आलिमा नोहरा शेख के बारे में मैं बहुत 12 साल से करीब करीब सुनते आ रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है भाई मतीउर रहमान के थ्रू कि इन्होंने अपने अवकाश से ज़्यादा इस पार्टी का, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का जहाँ जो लेबल दिया है, जितना मेहनत करी है, वो शायद आज तक इस अदना दर्जे से शुरुआत करके और जहाँ तक इन्होंने इसको लेबल दिया है, पार्टी को पहुँचाया है ऊँचे तक, वो शायद हम लोगों के दिमाग में ऐसा कभी नहीं हम लोगों ने सोचा था, ना हम लोगों की इतनी ऊर्जा थी। बहरहाल ये अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पे डॉक्टर आलिमा नोहरा शेख से मिल करके जितना भी तालीम जितनी भी इनकी सोच और इनकी सलाहियत है, उस हिसाब से इन्होंने सोशल और सामाजिक तौर पे जितना भी इन्होंने मेहनत करी है, शायद हम जितने भी आसपास में जितने भी दोस्त यार थे, शायद वो काम करा हो। और इससे ज़्यादा ना कुछ कहते हुए हम आगे फ्यूचर में भी दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको अल्लाह ताला हौसला अफजाए। और जिसने भी, और डॉक्टर नोहरा के शेख के
मार्फत से जो मेहनत कर रहे हैं इस तालीम में, इस मतलब सामाजिक काम में, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिल से तन मन धन से मेहनत करें और इस पार्टी को सियासी लेवल पे या सामाजिक लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे तक पहुँचाएँ, यही मेरी दुआ है और कामना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई नसीम साहब का, मुझे नाचीज के बारे में जो भी अल्फाज इन्होंने अदा किए हैं, मैं खैर उस लायक उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपकी बातों की मैं बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ। एक शेर है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुझे प्लेटफार्म मिला, आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा ने मुझे एक प्लेटफार्म मुहैया किया, तो आज मैंने उस चीज़ को अदा किया है, उसको किया है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर करेंगे और आप लोग भी मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करके, आप लोगों का दायरा मुझसे भी ज़्यादा वसी होगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों की मेहनतों और जोहद मुसलसल के जरिए से और भी आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, मेरी ऐसी नेक तमन्नाएं और दिली ख्वाहिशात हैं। जैसा कि मैं इस सियासी पार्टी को या समाजी पार्टी को जानता हूं और डॉक्टर क्या नाम है भाई मती रहमान के थ्रू जितना भी हम सोचे नहीं थे, इन्होंने इस पार्टी को या इस समाजी काम को आगे तक पहुंचाया है, और ये मैं समझता हूं खास करके डॉक्टर आलिमा नौहेरा शेख के बारे में कि ये जीरो लेवल पे जितना भी लोगों ने इनके बारे में इसे पार्टी या इस सामाजिक काम को लेकर के लोगों ने प्रोपेगेंडा करके इसको जमीन के तह तक पहुंचा दिया था और इनके बारे में लोगों ने इतना घृणा और इतना हर एतबार से पूरे समाज में इसके बारे में कितनी गंदगी फैलाई, और सियासी पार्टी जो दूसरे लेवल पे है उन्होंने भी मिलकर के जिस हिसाब से इसको हर हालत में इसको पूरी दुनिया से या पूरी इंडिया से इसको नीस्त नाबूद करने की कोशिश करी, उसी हिसाब से इन्होंने अपना जज्बा रख करके और नेक नियति से रह करके भाई रहमान भाई इसको आगे तक पहुंचाया। और मैं ये कहता हूं कि आज के दौर में कोई भी काम आसान नहीं है और कोई भी काम छोटा भी नहीं है और कोई भी काम नामुमकिन भी नहीं है। और हम एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं, तुम में हिम्मत है तो दरियाओं पे कब्जा कर लो, भीख मांगोगे तो कतरा नहीं मिलने वाला है। तो इस हिसाब से इन्होंने ऐसा अपना जज्बा दिया है इस समाजी तौर पे और इस सोशल तौर पे कि ये अब आगे चल करके पूरी आम पब्लिक में या इस तरह से सामाजिक काम में रुकने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई नसीम साहब का कहना यह था कि जिस तरह से आलमा डॉक्टर नौहेरा शेख साहिबा के खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए गए, उनको हर सतह पर अजियत दी गई, रोकने की कोशिश की गई, तो मैं उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी शख्स हो, एक आलमा डॉक्टर नौहेरा शेख साहिबा ही नहीं, जब भी कोई मफाद आम्मा के तहत काम लेकर के कोई शख्स चलता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और जब आपको दुनिया के किसी भी शख्स को जब रोकने की कोशिश की जाए तो आप ये समझ लें कि बेशक मैंने वो काम शुरू कर दिया है जिसकी लोगों को जरूरत है। लिहाजा अब मैं अगले नायब सदर बराए आल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी अकलियती उमूर जिला गाजियाबाद के नायब सदर जहां भाई इरशाद साहब से दो लफ्ज सुनते हुए, चूंकि बहुत ही मुताहरिक है, सियासी शऊर इनके अंदर बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है, इंशाल्लाह ताला वक्फा दर वक्फा इनसे सुनते जाएंगे। आज इनके तारुफ के साथ कुछ इनके अकवाल को सुनते हुए इस मामले की तकमील करते हैं इंशाल्लाह। भाई इरशाद साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतीउर रहमान अजीज साहब से मिलकर आज मुझे इतना खुशी हुई, जो इनसे हमारा ताल्लुका 6 सालों से है और इन्होंने जिस पार्टी का यहाँ पे शिलान्यास किया है डॉक्टर नौहेरा शेख की, उसको हम जानते हुए हर चीज़ की उनकी कामयाबी को देखते हुए इनके साथ आज हमारा जो जुड़ना हुआ है, आज हमें इतनी खुशी हुई है कि जिसे हमें दुनिया में सोचने का बहुत सारे मौका मिला है जो कभी जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था। और इस बात से मैं अपने आप को सामने रखना चाहता हूं कि जो आलमा डॉक्टर नौहेरा शेख साहब ने जो भी अपनी पार्टी बनाई है और जो भी इनके काम में दखलंदाजी दे रही, इनके पीछे को खींचा जा रहा, अल्लाह पाक इनके हमेशा एक हर एक काम में आपको कामयाबी अता फरमाए। और मैं इन पार्टी में जुड़ के मैं एक दुनिया को अपने एक सामने हर एक बात को रखना चाहता हूं कि जो दुनिया में इतनी किल्लतें इतनी बुराइयां पैदा हो रही है, इन सभी चीजों को हटाने के लिए और इन सभी चीजों को दूर करने के लिए और सबको एक साथ एक अमलो अमान कायम रखने की हम दुआ करते हैं। और डॉक्टर नौहेरा शेख साहब की पार्टी में जुड़ के हमें इस बात से खुशी हुई है
कि हम अब एक एक दुनियावी में हमें चलना, हमें रास्ता मिला है और इस रास्ते पे हम चल के हर एक गलियों के मोहल्लों में, हर एक चौराहों पे जहां से हमारा एक छोटा प्लेटफार्म हमें आज मिला है चलने का, वहां पे सभी भाइयों और सभी बहनों से मिलकर, सभी माताओं से मिलकर हमें हरी सबसे अपना गुफ्तगू सामने रख के और डॉक्टर नौहरा शेख की पार्टियों को हमें आगे ले जाना होगा कि जो दुनिया में आजकल परेशानियां हो रही है, जो दुनिया की हर एक चीज की बुराइयां पैदा हो रही है, उन सारी सभी चीजों को खत्म करके और ये अपनी एक बड़ी पार्टी बनाने की हमें कोशिश करना है। और जो भी आजकल इस पार्ट दुनिया इंडिया में जो भी अधिक पार्टी अपने सामने बात बड़ी से बड़ी बातें रखनी है, उस बड़ी बातों में हमें भी शामिल होना है और हमें आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहब को भी आगे ले चलना है और जो भी आज हमारी बुराइयां हो रही है बुराइयों को भी हमें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। क्योंकि हमें देखते हुए हर एक चीज देश में हमारे जो भी हो रहा है, एक भी चीजें, एक भी बातें सही नहीं हो रही है। जो हमारे बेखिलाफी काम किए जा रहे हैं, जो हम कभी लाइफ में हमारे बाप दादाओं ने हमारे सोचा नहीं था, जो आज दुनिया में सामने पेश हो रहे हैं, जो कभी हमारे कानों में बचपन में भनक भी नहीं हुआ करती थी, आज वो सामने बात आ रही है कि हम कभी अपने आप से सोचते हैं तो इस चीज को अपने एहसास करते हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए हम सभी देशवासियों के लिए। लेकिन अब हम क्या करें, हम मजबूर इस बात, इसलिए हमने एक डॉक्टर नौहरा शेख की पार्टी में हमें शामिल होना पड़ा मजबूरों की, कि हमें अपनी एक आवाज उठाने का मौका है और इस देश में अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम सब के सब नीचे ही दबे रह जाएंगे। क्योंकि हर एक पार्टियां, जो भी बड़ी पार्टियां जो भी है इंडिया में, वो सभी लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम आवाज अब दबाने के लिए अगर बैठेंगे तो हम हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। क्योंकि हमें अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना है और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहब की पार्टी को हर एक मुश्किल रास्तों से हटाकर और हर एक कदम को चुनते हुए आगे लेकर जाना होगा, चाहे जो भी होगा। इंशाल्लाह हर एक काम को हम अच्छे से करेंगे, वो चाहे मशवरा जहां हर एक चौराहे पे, हर एक गलियों और मोहल्लों में सभी भाइयों से हर एक चीज की इस बात से हम बात सामने बात करेंगे कि अमनों और अमान के एक रास्ता बनाए और सभी को एक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह से हमारी पार्टी के मेंबर मतीउर रहमान अजीज साहब से आज पार्टी में जुड़ना हुआ है, उसमें हमारे को ऐसा लगता है कि कोई हमने एक ऐसा नया रास्ता मिल गया है जिसे हमें कोई मुकाम हासिल करना होगा, जिसे हमारी दुनिया में भी हमारा एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का एक रास्ता हमें मिलेगा चलने के, जिस चीज की आज हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है, हमारी आज एक कौम को बदनाम किया जा रहा है कि हमें हर एक तरह से कि हम सबसे मतलब पहले हर एक चीज से बुरे हो गए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, किसी भी राज्य में हमारा जो है कोई आवाज नहीं सुनना चाहता है। जितने भी हमारी कौम के लोग, बड़े से बड़े लोग थे, आवाज उठाए, उनकी सारी आवाजों को उनको दबा दिया गया, उनके हर एक, उनके जो घर में जो बड़े वैसे थे उनको सब हमेशा रिश्ते नाबूद कर दिया गया कि ये दुनिया रहेंगे तो ना ये बोलेंगे। लेकिन हम अब ऐसा कब तक जुल्म सहते रहेंगे इस देश के सभी लोगों, नेताओं को, सभी सभी कम्युनिस्ट पार्टियों का। अब हमारे पास समय मिला है हमें आवाज उठाने का, तो हम इसे आवाज अपने को उठा के रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी होगा अच्छे से, जो भी होगा हम अच्छे से हर एक जगह अपने चौराहों पे, अपने हम गलियों में, मोहल्लों में, हर एक देश के गलियों गलियों के कोने में हमें जाना होगा तो हम जाएंगे और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहब की पार्टी को हमें आगे ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद इरशाद साहब, आपने अपने कम अल्फाज में जो बातें कह दी हैं, आने वाले वक्त में आपको मजीद और मौका मिलेगा। बेशक आपने दुरुस्त कहा कि हमें प्लेटफार्म नहीं मिलता है, हमें आज प्लेटफार्म मिला है तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और एक और बात आपने कही कि हम या तो सियासत का हिस्सा होंगे या सियासत का शिकार होंगे। सियासत का हिस्सा होते तो आज जो कोई भी घिनौनी साजिशें 2-3-4 मजहबों के दरमियान में फैलाई जा रही है वो सियासत का हिस्सा ना होने की वजह से। हम अगर सियासत का हिस्सा होते तो ऐवान बाला से लेकर के और गली कूचों मोहल्लों और कस्बों तक हमारी बात पहुंचती, और हम ऐसे नहीं हैं, हम लोगों से मिल करके रहने वाले हैं, जैसे कि हजारों साल से हमारे बाप दादा मिल करके रहते हुए आए हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं जो हजारों साल से रहते हुए आए हैं। लेकिन चूंकि हम सियासत का हिस्सा नहीं थे, हमारी बातों को दबा दिया गया, हम ऐवान बाला तक नहीं पहुंचे, हमारी आवाजें नहीं उठी, लिहाजा हमें गलत साबित कर दिया गया। हम गलत नहीं है, हमारे मुल्क के जितने भी बिरादराने वतन हैं उन सब से मिल करके जैसे हजार सालों से हम रहते आए हैं उसी तरह से आइंदा भी रहेंगे। हमारा हक भी है और हमारी ख्वाहिश भी है, और हम मुल्क में तमाम भाइयों के साथ मिल करके बेहतर से बेहतर करने की, देश को आगे बढ़ाने की, मुल्क के एक एक बच्चे को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, भाई मोहम्मद नसीम साहब, भाई मोहम्मद इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।